Right, भाई लोग फिर से इस चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ बहुत ही फॉर्मल तरीके में वंस अगेन। आज की डेट 11 तारीख 4 बजने वाले हैं। मैं आज लेट उठा हूँ और हाँ मैं लेट उठा हूँ, बहुत लेट उठा हूँ। मम्मी के साथ गया, काम वाम करके आया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आम डे, राइट। नाउ ऑफ कोर्स मेरे आम साथ बाकी सब लोग बड़े लगते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू माय बॉडी, एज कम्पेयर टू माय फिजिक, मेरा सबसे वीक पार्ट है। तो कोई बात नहीं, धीरे 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 करके ग्रो हो रहे हैं थैंक्स टू माय वर्क एथिक और मेरे कोच का दिया हुआ वर्कआउट रूटीन। आई मीन इट्स वेरी सिंपल बट द वे यू वर्क इट दैट मैटर्स। सो आज हम लोग करेंगे आर्म्स। फिलहाल मैं फट से जाता हूँ, एक मील और खाता हूँ। आज ब्रेकफास्ट मैंने वो खाए हैं, क्या बोलते हैं, आलू के पराठे। हाँ जी, दैट वाज माय मेट, उसने बोल दिया कि सब रेडी है। मैं फटाफट जाके चिकन मैरिनेट कर देता हूँ, अपना मील भी बना लेता हूँ एंड खा के नहा धो के वी आर गोइंग आउट टू द जिम। मेरा आर्म्स है, आई थिंक मेरा छोटा भाई आज पुश करेगा कुछ, आई थिंक वो करेगा चेस्ट, नहीं उसने कल बैक करी तो आई गेस शोल्डर्स, आई डोंट नो। उसका भी कोई ऐसा रूटीन सेट नहीं है जो कि करना पड़ेगा बहुत जल्द। सो मैं आप लोग कैच करता हूँ अब आई गेस आफ्टर माई मील। व्हाट इज़ माई मील, मैं अभी कौन सी मील खाने वाला हूँ। सो बेसिकली आज मैं खाने वाला हूँ 350 ग्राम्स ऑफ राइस एंड 170 ग्राम्स ऑफ चिकन। अभी मेरी मील सेम चल रही है बिकॉज वी आर प्रोग्रेसिंग इस प्लान के साथ ही, तो वी आर नॉट एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग एनीथिंग। सो अब ऑफ सीज़न हमारा आई गेस चलेगा टिल जून एंड। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं जून एंड तक कितना ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, हाउ मच मोर मसाला कैन पुट, बाकी तो भगवान के हाथ में सब कुछ, राइट। सो आई विल सी यू गाइस अब गाड़ी में, राइट, ओवर एंड आउट। सो मेरा तो हो गया भाई काट, कैसे अभी बताता हूँ। सो यूजुअली क्या मॉर्निंग में मम्मा राइस बना देती हैं जब भी मम्मा होती हैं, अभी जब तक मम्मा नहीं थी घर पर तो मैं बना रहा था, राइट। सो राइस बन जाता है, सो मैं गया मस्त चिकन मैरिनेट करके रखा, जो मैं जितना खाना था मैंने उतना निकाल के पकाने लग गया। टर्न्स आउट राइस बना ही नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यू शुड नो हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, राइट। सो उसकी जगह पे हम लोग क्या खाने वाले हैं, वेल पीने वाले हैं मोस्टली, सो टू बनानास एंड भाई जी इसमें है एक शेक। नाउ इस शेक के कंटेंट्स कुछ इस तरह हैं कि 20 ग्राम वॉलनट्स हैं, 40 ग्राम्स ऑफ ओट्स, एक स्कूप प्रोटीन, 20 ग्राम्स ऑफ आमंड बटर। मैं पीनट बटर से ज़्यादा मेरे को वो पसंद है, पीनट बटर इज़ नाउ ओवर हाइप। सो मेरी टेंडेंसी है कि जो ज़्यादा चीज़ ओवर हाइप हो जाती है मैं उससे दूर भाग जाता हूँ। थैंकफुली अभी ये जो राइजिंग जिम कल्चर है, राइट, जो वी गो जिम किड्स हैं, छोड़िए उस बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। सो मैं अब ये शेक और बनानास खाता हूँ एंड देन माय डेली विटामिंस एंड स्टफ जो है वो लेता हूँ। सो मैं कौन से विटामिंस लेता हूँ वो भी दिखाता हूँ आपको, रुको। ये कभी कभी, हमेशा नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं आते, आई मीन यू मल्टी वाइटमिन यू कैन गेट एट योर लोकल केमिस्ट, जस्ट टेक दोस्त, कभी मन करता तो आया एट दिस थिंग। सो इसमें यार तीन गोलियों का एक पैकेट आता है, स्टूपिड बट ठीक है। सो या अब मैं ये फटाफट ये मील पूरी करता हूँ, नहाने भागता हूँ और देन आगे की मील्स पैक करके हम लोग निकलते हैं टूवर्ड्स जिम, राइट। क्या चीज है, मैं तो वही अलसा गया था, इसी बात है, शेक पिया मैं अलसा गया, बट अब मैं जा रहा हूँ नहाने और उठता है मुड़का भाई
5:30 देखो क्यों लग रहा है अभी मेरा लोअर विटामिन डी बहुत समय पहले मैंने टेस्ट कराया था ब्लड टेस्ट कराया था फाउंड आउट मेरा विटामिन डी बहुत लो है सो तब से मैंने विटामिन डी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी थी सो अब ओके हो गया बट दिस ऐप अभी मेरे को मैसेज करता है लो विटामिन डी लो विटामिन इवन दो उन्हीं के थ्रू मैंने फिर से टेस्ट कराया था टू फाइंड आउट दैट मेरा विटामिन डी लेवल्स ओके मैं अभी फटाक से वहाँ पे आता हूँ सबको बारे में टैच करता हूँ जो भी मुझे देखता है अभी तक मैंने इंस्टाग्राम पे किसी को बताया नहीं कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूँ मतलब रेगुलर बेसिस बट आई थिंक इन अ फ्यू डेज आई विल रिवील इट ये जब करूँगा तब देखते हैं व्हाट रिस्पॉन्स डू आई गेट राइट सो आई विल कैच यू गाइस सून ओके सो थोड़ा टाइम लग गया मेरे को नहाने धोने में बिकॉज एज यू कैन सी जो मेरे कान का शराब जो मेरे कान की बाली है इसको मेरे को साफ करना पड़ता है अदरवाइज इट स्मेल्स राइट और ये पूरा छेद है सो ये करा देन एक तो द मेजर डाउन साइड ऑफ ग्रोइंग दिस मच बिग इट इज कि आप अपनी पीठ पे साबुन नहीं लगा सकते सो वही पीठ साफ करने के लिए सरदर्दी एंड स्टफ दैट सो वो सब डन एंड डस्टेड है अब हम लोग निकल चुके हैं 6:22 पे टूवर्ड्स द जिम आधे घंटे का रास्ता है आज मैं करने वाला हूँ आर्म्स ठीक है और मेरा वर्कआउट कुछ इस तरह से रहेगा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे केबल कॉल से विद ईजी रॉड ईजी अटैचमेंट सॉरी या zigzag rod बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इंडिया में सो वो यूज़ करेंगे एंड वील डू लाइक 4 sets या 5 sets डिपेंडिंग ऑन हाउ आई फील देन या उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा ट्राइसेप्स से तो मैं पहले लूँगा अराउंड 2 या 3 sets लूँगा rope push down के और फिर उसके बाद मैं अगेन स्ट्रेट या zigzag rod यूज़ करके मैं push down करूँगा थर्ड रहेगा अगर मेरे पास चॉइस है इसमें कि इधर मैं कर सकता हूँ डबल एंड डबल एक्सटेंशन या मैं डेड स्टॉप स्कल क्रशर्स कर सकता हूँ ये चीज़ डिपेंडेंट रहेगी कि मेरे एल्बोज कैसा फील कर रहे हैं फॉर दी एक्सरसाइज अगर जब वार्म्ड अप इनफ एंड कोई पेन नहीं रहा है मेरे को पुश डाउन में तो आई विल गो विद एक्सटेंशन वरना डबल एंड डबल जिंदाबाद फिर उसके बाद हम लोग करेंगे बाइसेप्स की दो मूवमेंट एक रहेगी हमारी कोई नॉर्मल डंबल कर्ल्स दूसरा रहेगा हैमर कर्ल्स उसके बाद ट्राइसेप्स की दो मूवमेंट रहेगी जिसमें एक रहेगा ट्राइसेप डिप्स एंड एक रहेगा आई गेस रिवर्स पुश डाउन एंड देन एकदम लास्ट में हमारा बाइसेप की लास्ट मूवमेंट रहेगी रिवर्स कर्ल्स एंड देन एक एक्सरसाइज करेंगे हम फोरआर्म की विच विल बी रिस्ट कर्ल्स ओनली दैट्स इट मैं शायद एब्स भी लूँ आज एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ इट सो वो सब था मेरा नाउ छोटे आज करेंगे सो वेल छोटे का भी न्यूट्रिशन इज नॉट दैट गुड बट इट विल गेट बेटर थोड़े थोड़े समय में राइट जितना वो वर्कआउट करता रहेगा इट विल ओनली गेट बेटर सो कंसिडरिंग कि उसका न्यूट्रिशन इतना अच्छा नहीं है मैंने ये डिसाइड किया कि इसको मैं सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करवाऊँ विद सपोर्टिंग मसल ग्रोथ पे एक एक्सरसाइज सो यस्टरडे इसने किया है यस्टरडे इसने किया वाह द इंग्लिश ऑन मी राइट कल इसने किया बैक बाइसेप एंड फोरआर्म्स राइट सो आज आई थिंक छोटे भाई हमारे करेंगे चेस्ट triceps most probably let's see ठीक है and maybe एक एक्सरसाइज शोल्डर की थम जा करो बेटा गाड़ी आ रही है सामने से सो छोटे की एक्सरसाइजेस भी डन है और आई थिंक क्या छोटे का क्या है छोटे के पास है गुड जस्ट जेनेटिक्स मतलब जो जो मेरे पे अच्छा है लाइक जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है छोटे का वो वीक पॉइंट और जो छोटे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो मेरे वीक पॉइंट है सो
देखते हैं थोड़े समय में छोटा भी हील ग्रो हील रिएक्ट वेल वेल न्यूट्रिशन मैं देख लूँगा एंड एक्सरसाइजेस भी ओके हो जाएंगी इसकी इसको एक बेस चाहिए नीड्स टू नो द एग्जीक्यूशन पार्ट द सेटअप पार्ट ऑफ एवरी एक्सरसाइजेस तो लापन धीरे धीरे तो तब तक के लिए ट्रेनर्स छोटे को ट्रेन करेंगे जैसे ही छोटे के पास सब कुछ आ जाएगा मैं टेक ओवर कर लूँगा मेरा एक छोटा प्रोजेक्ट है छोटे इज माई छोटा प्रोजेक्ट सो एनी वे अब मैं आप लोगों को सीधे जिम में कैच करता हूँ आई गेस अब से जो भी क्लिप आगे आएगी दैट वुड बी ऑफ द वर्कआउट एंड आई ट्राई कि जिस हिसाब जिस सीक्वेंस में मैंने तुम लोग को वर्कआउट बताया है मैं उसी सीक्वेंस में ये सारी वीडियोज डालूँ वरना सीक्वेंशियल नहीं रहा उस हिसाब से तो भाई गुस्सा मत होना ठीक है आंटी नमस्ते दैट्स ऑल मैं आपको मिलता हूँ जिम में ओवर एंड आउट ओके वर्कआउट हो गया इवन दो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को बहुत सारा अपना वर्कआउट के पार्ट्स दिखाऊं बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी एंड आई हैड टू लिटरली फाइट फॉर माय टर्न लाइक आता पाई नहीं बट प्रॉब्ली तो इतना ज़्यादा मैं सेट रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट व्हाटएवर आई रिकॉर्डेड मैंने वो डाल दिया है
नाउ मैं कर रहा हूँ प्रोटीन का सेवन, प्रोटीन के साथ साथ EAA प्लस डेक्सट्रोज फॉर क्विक एनर्जी, बिकॉज घर जाने में भी टाइम है. सो जब तक ये डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद वी हैव आवर नाइस मील जो कि थी राइस एंड चिकन. अगले दो बार की मील यही है. गुड वर्कआउट, इवन दो आर्म्स मेरे लिए बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग, बिकॉज रिपीटेटिव मूवमेंट्स. आप कर्ल ऐसे कर रहे हो, फिर हैमर कर्ल कर रहे हो, रिवर्स कर्ल कर रहे हो, इसके अलावा वो तो फकिंग नथिंग, राइट. सेम विद ट्राइसेप्स, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मूवमेंट इज रिपीटेटिव, इसीलिए वो बोरिंग हो जाता है. बट स्टिल मेरा आज बहुत अच्छा वर्कआउट रहा बहुत समय बाद. थैंक यू गॉड फॉर दिस वर्कआउट. एंड अब मैं फटाफट घर पहुंचता हूँ एंड देन आई कैच यू गाइस आफ्टर माय मील, राइट. ओवर एंड आउट. ऑलराइट, सो दिन खत्म हो गया है मेरा. आई मीन आई डू हैव एक दो मील्स, एक तो मैं खा लूँगा बट दूसरी मेरे को पीनी पड़ेगी. बट मैं अभी ब्लॉगिंग ख़त्म करता हूँ. ओवरऑल गुड डे था, कुड हैव बीन बेटर बट ठीक है. हर दिन अगर अच्छा जाने लगा तो कुछ ही रहने लग जाएंगे हम लोग. वी गेट वेरी कम्फर्टेबल एंड कम्फर्ट से ग्रोथ नहीं आती. प्राइम एग्जांपल है, आप लोग जब जिम जाते हो और अपने आप को एक डिसकम्फर्ट में डालते हो थ्रू वर्किंग आउट योर मसल्स एंड फिर उसके बाद यू सी ग्रोथ, राइट. दैट्स हाउ इट गोज इन लाइफ एज़ वेल. सो अब मैं थोड़ी देर चिल करूँगा, आई वॉच सम टीवी सम शो एंड फिर अगेन आई लीड, फिर थोड़ी देर चिल करके आई स्लीप. हाँ वो शेक भी नहीं होगा. सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ओवर एंड आउट.